वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बिलियन डॉलर हम आर्मी पे लगा देते, एक बिलियन डॉलर हम कर्जे मर्जे देने में, तो पीछे का छनकना देना किसने? अवाम ने देना। बिल्कुल, ये अवाम की फला बहबूद पे खर्चा हो ना, सेहत पे खर्चा हो, एजुकेशन पे खर्चा हो और चीजों पे खर्चा हो, मजा भी आता है। फिलहाल तो पाकिस्तान में किसी पे खर्चा हो, सिर्फ पानी पे खर्चा हो, फैक्ट्रियों पे खर्चा हो, लेकिन अब 12 ने रुकवा दिया। और मैं कहता हूँ कि भाई हम माई के लाल हुए जो भाई साहब IMF से कर्जा ले लें। अब IMF हमें रुलाएगा, भारत IMF को बोल दिया कि इनको रगड़ा के रख दो, इनको रुलाओ और इनको कर्जा ना दो। पहले तो थोड़ा रगड़ा कड़ी शर्त रख दी है भाई साहब, हमारा ज्यादा कर्जा आर्मी पे या तो कर्जे वापस देने पे निकल जाता है। तो वही चीज है अब भाई साहब, जब यही वो भारत ने बोल दिया पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को बना दिया जाए। मतलब भारत ने बोला है IMF ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी है, IMF के सामने कंडीशन रख दी है। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से, इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही है और IMF से अब पैकेज मांगा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये किस तरह की नाइंसाफी है? मैं कहता हूँ ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए IMF के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब IMF तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिल रहे कर्ज की बदौलत देश चला रहे पाकिस्तान पर भारत ने जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे IMF के बेल आउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसों की कड़ी निगरानी की वकालत की है। IMF को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताया है कि देश को इस तरह के पैसों को रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्जा चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले साल जुलाई में IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया था। यह कर्ज गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे देश को IMF की तरफ से दिया जाता है जो आपातकाल होता है। इस कर्ज की समीक्षा के दौरान IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम ने IMF के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा। भारत आमतौर पर पाकिस्तान की IMF से कर्ज की मांगों से दूर रहता है, हालांकि इस बार भारत सरकार ने कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम से अनुरोध किया है कि वह IMF बोर्ड को बताया कि वो IMF से कर्ज में मिले धन का पाकिस्तान किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ने IMF से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से IMF को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा IMF ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से, इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही है और IMF से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो IMF ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी है IMF के सामने, कंडीशन रख दी है, और इंडिया ने IMF को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए।
अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो है उसके सामने रखना होगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाए रावी है उसका पानी रोक लिया गया, और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाए रावी के जरिए जो पानी मिलता था वही पानी वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्यों ना इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अब वो जम्मू कश्मीर में वो पानी दिया जाएगा। तो रिवर रावी तो खैर पहले ही सूखा पड़ा, यानी हम तो हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी लाहौर में रावी की तरफ कभी जाना होता था तो पता ही चलता था कि रावी तो सूखा प्याज है, वो तो सूखा प्याज है, रावी के अंदर तो पानी नहीं है। तो पानी उसमें पहले भी जो है वो अक्सर कमी रहता था, लेकिन ठीक है ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का पानी बंद कर दिया है। तो जो वाटर क्राइसिस है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और उसमें अब तो ऐसा भी हुआ बीच में कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं मीडिएशन नहीं मानते और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। $1 बिलियन हम आर्मी पे लगा देते, $1 बिलियन हम कर्जे मर्जे देने में, तो पीछे का छड़कना देना किसने, अवाम ने देना। बिल्कुल, ये अवाम की भला बहबूद पे खर्चा हो ना, सेहत पे खर्चा हो, एजुकेशन पे खर्चा हो और चीजों पे खर्चा हो, मजा भी आता है ना। फिलहाल तो पाकिस्तान में किसी पे खर्चा हो, सिर्फ पानी पे खर्चा हो, फैक्ट्रियों पे खर्चा हो, लेकिन अब 12 ने रुकवा दिया। और मैं कहता हूँ कि भाई हम मई के लाल हुए जो भाई सब आईएमएफ से कर्जा ले रहे, अब आईएमएफ हमें रुलाएगा। भारत आईएमएफ को बोल दिया कि इनको रगड़ा के रख दो, इनको रुलाओ और इनको कर्जा ना दो। पहले तो थोड़ा रगड़ा है, वही एक बिलियन के डॉलर के लिए कड़ी शर्त रख दी है भाई साहब। हमारा ज्यादा कर्जा आर्मी पे या तो कर्जे वापस देने पे निकल जाता है, तो वही चीज है। अब भाई साहब जब यही वो भारत ने बोल दिया है, अब आईएमएफ भी यही हमें बोल रहा है बेटा ये काम करोगे, अब हम क्या काम करेंगे जब यही काम होना है? तो भाई साहब आप तो कड़ी शर्तें, और यार कर्जा किस चीज का लेना, आप एक कर्जा चुकाते हैं तो दूसरे मुल्क से लेके दूसरे को देते, ये क्या चीज है? ये चीज समझ नहीं, ये सूद है, ये जो कर्ज देते हैं ये सूद होता है, ये असर रकम अपनी जगह बरकरार है। Thank you.